Hello, annyeonghaseyo and assalamualaikum. I'm Sania, living in Korea. Welcome to my channel. अच्छा, सीन्स कुछ ये हैं कि ये वीडियो जो है वो कुछ के लिए बहुत ही ज़्यादा बोरिंग होने वाली है और कुछ के लिए जो है वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है. लेकिन ये जो है मैं आपकी रिक्वेस्ट पे बना रही हूँ वीडियो, और आप सब पूछ रहे थे कि हमें प्रोफेसर बेस्ड स्कॉलरशिप के बारे में इन्फॉर्मेशन दें, एंड आई गॉट सो मैनी क्वेश्चन रिलेटेड टू इट. एंड शायद ही कोई दो तीन चीज़ें और होंगी जिनके बारे में मुझसे पूछा गया हो. मतलब मेनली जो चीज़ पूछी गई है वो सिर्फ यही है. और मैंने जो है कुछ क्वेश्चन आपके इधर लिख के रख लिए थे, और बाकी जो है मैं कुछ मिस हो गए थे मुझसे, लेकिन मैं ट्राई करूंगी कि जितना मुझे पता है मैं सारा आप लोगों को बताऊं यहाँ पे. सबसे पहले तो मुझसे पूछा गया ये कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी और कौन से डिपार्टमेंट में हैं. मैं चुंगबुक नेशनल यूनिवर्सिटी के कॉलेज ऑफ मेडिसिन में हूँ. एंड ये जो है प्रोग्राम जो है प्रोफेसर फंडेड स्कॉलरशिप, ये GKS प्रोग्राम से बिल्कुल डिफरेंट है. और मैंने GKS के लिए कभी अप्लाई नहीं किया, सो आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट इट. आपको GKS से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन YouTube पे मिल जाएगी, क्योंकि जो है चाहे आप अंडर ग्रेड में हैं, चाहे आप जो है ग्रेड के लिए देखना चाह रहे हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए देखना चाह रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट के लिए देखना चाह रहे हैं, तो आप GKS के लिए अप्लाई कर सकते हैं. लेकिन जो प्रोफेसर फंडेड स्कॉलरशिप है उसमें आप मेनली जो है आपको जो फंड्स मिलते हैं, जो स्कॉलरशिप मिलती है, वो मेनली आपको बायोमेडिकल साइंसेज के लिए मिलती है या आपको इंजीनियरिंग के लिए मिलती है. सोशल साइंसेज जो हैं, नेचुरल साइंसेज के लिए भी मिलती है, लेकिन जो सोशल साइंसेज हैं उनके लिए बहुत मुश्किल है आपको प्रोफेसर फंडेड स्कॉलरशिप मिले. बाकी कुछ स्कॉलरशिप हैं GKS में भी आपको मिल जाती है. उसके अलावा यहाँ पे KDI स्कूल है, वो कुछ प्रोग्राम्स ऑफर करता है सोशल साइंसेज से रिलेटेड, लेकिन आपको जो है जो मेनली प्रोफेसर बेस्ड स्कॉलरशिप्स हैं वो लोग देखें जिनका जो है बैकग्राउंड बायो साइंसेज से है, मेडिकल साइंसेज, नेचुरल साइंसेज, इंजीनियरिंग मेनली जो है वो आप लोग जो है अपना टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं प्रोफेसर स्कॉलरशिप देखने के लिए. नेक्स्ट ये है कि इस स्कॉलरशिप में क्या क्या इंक्लूड होता है. इस स्कॉलरशिप में काफ़ी चीज़ें इंक्लूड हो सकती हैं अगर आपका प्रोफेसर चाहे. सब कुछ जो है आपके प्रोफेसर पे डिपेंड करता है, आपकी जो आपको प्रोजेक्ट मिलना है उस पर डिपेंड करता है. देर जो है अगर आप मास्टर्स के लिए आ रहे हैं या PhD के लिए आ रहे हैं, तो आपको जो है जो स्कॉलरशिप मिलती है उसको यहाँ पे कहते हैं सैलरी. लाइक आपकी जो है वो मंथली सैलरी आती है. तो मुझसे बहुत से लोग पूछ रहे थे कि आप वहाँ पे कोई जॉब भी कर रही हैं जिसकी आपको सैलरी आती है. नहीं, आपको मास्टर्स की ही सैलरी आती है, और मास्टर्स या PhD जो भी आप कर रहे हैं. मैं मास्टर्स प्रोग्राम में हूँ तो यहाँ पे कोई भी इसको स्कॉलरशिप स्टाइपेंड नहीं बोलता, सैलरी ही बोलते हैं. तो ये डाउट जो है मैं आपका क्लियर कर दूँ, क्योंकि आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और उसकी आपको पे मिल रही है. आपको जो है यहाँ पे क्लासेस का इतना जो है बड़ा इशू नहीं होता कि आप जो है यहाँ पे आपको पूरा दिन क्लासेस देनी है, पढ़ना है और ये वो. आपको लैब में अपने टाइम गुजारना है. कोरिया की जो है वो ऑफिस आवर्स 9 to 6 हैं, और आपको जो है 9 to 6 ऑफिस में रहना ही रहना है. और उसके अलावा आपके प्रोफेसर पे डिपेंड करता है जो आपको पे करते हैं कि वो आपकी टाइमिंग्स क्या सेट करते हैं. और जब तक आपके प्रोफेसर वहाँ पे रुकेंगे आप भी वहाँ पे रुकोगे. ओके, दिस इज कोरियन कल्चर. तो ये चीज़ें जो है आप लोगों ने देख के आनी है कि आपकी लैब टाइमिंग कुछ भी हो सकती है. अगर आपका आपका काम ज़्यादा है या आपके प्रोफेसर रुक रहे हैं तो यू हैव टू स्टे देयर. आप ऑफिस आवर्स के बाद भी रुकना आपको पड़ सकता है. ज्यादा जो है क्वेश्चन यही था, हाउ टू अप्लाई देयर फॉर प्रोफेसर स्कॉलरशिप, हाउ कैन वी अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप, व्हाट इज द प्रोसेस एंड बेनिफिट्स ऑफ द स्कॉलरशिप. प्लीज लेट मी नो द फुल प्रोसीजर अबाउट कोर्सेज एज वेल इन विच दे ऑफर स्कॉलरशिप एंड व्हाट्स द प्रोसीजर एंड बेनिफिट्स ऑफ द स्कॉलरशिप अलाउंस फेयर एक्सेट्रा. तो ज्यादा जो है क्वेश्चन यही है तो मैं यहीं से स्टार्ट करती हूँ. अच्छा, पहले क्वेश्चन है इट्स इजी टू गेट प्रोफेसर बेस्ड स्कॉलरशिप. अच्छा, आपको जो है ना वो कंसिस्टेंट रहना है. कुछ भी आपको प्लेट में रखा हुआ नहीं मिलता. कुछ लोगों को मिलता है, बिल्कुल मिलता है. लाइक आपके अगर लैब में पहले से कोई पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं और वो आपको रेफर कर देते हैं तो यू कैन गेट अ स्कॉलरशिप इन प्लेट.
लेकिन आपको जो है इतनी आसानी से नहीं मिलती, अक्सर जो है मोस्टली आपको इतनी आसानी से नहीं मिलती, आपको पूरा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। और कुछ स्टूडेंट्स प्रोसीजर के बारे में पहले मैं ये बता दूं कि आपको अपने जो फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है उससे रिलेटेड प्रोफेसर्स को ईमेल्स करनी होती हैं, ठीक है। अब जो है कभी कभी आपको 200+ ईमेल्स करनी पड़ जाती हैं एक एक्सेप्टेंस लेने के लिए, और कुछ को पहली मेल पे ही एक्सेप्टेंस मिल जाती है। और ये डिपेंड करता है कि आपकी जो है वो प्रोफाइल, आपके बैकग्राउंड कितना स्ट्रांग है, आपके जो है उसके अलावा आपके प्रोफेसर जिनको जिनके पास आप अप्लाई कर रहे हो उनके पास कोई वैकेंसी है, कोई ओपनिंग है, मतलब वो देख रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए कि नहीं, और ये सारी चीजें मैटर करती हैं। और कुछ को काफी साल लग जाते हैं और कुछ एक दफा अप्लाई करने से ही अगले सेमेस्टर में इनरोल हो जाते हैं, तो ये सब कुछ आप पे डिपेंड करता है। तो मेरे नजदीक जितनी भी स्कॉलरशिप्स हैं जो हैं फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स हैं, बाकी कंट्रीज के स्कॉलरशिप्स हैं जो भी हैं, GKS हो गया, उनसे रिलेटिवली जो है इजी है ये स्कॉलरशिप लेना। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपका ईमेल फॉर्मेट कैसा है, आपने आपका बैकग्राउंड क्या है, आपने कितने जो है स्ट्रांग प्रोफाइल अपनी बनाई हुई है, और उसके अलावा जो है आपका इंटरव्यू होता है प्रोफेसर जब आपको एक्सेप्ट करते हैं उसके बाद, तो वो इंटरव्यू आपका कैसा हुआ। तरीका इसका ये है कि आपने यूनिवर्सिटी सर्च करनी है, आपने उनके अंदर जो है अच्छा सारे जो है वेबसाइट जो है वो कोरियन में है, कोरियन यूनिवर्सिटीज की, और आपने क्या करना है कि आपने ऑटो ट्रांसलेट करना है गूगल से इंग्लिश में, और कुछ वेबसाइट जो है उनके ऊपर ऑप्शन होता है लैंग्वेज का कि इंग्लिश में आप, मतलब मोस्टली जो है यूनिवर्सिटीज उनकी वेबसाइट इंग्लिश में हो जाती है, लेकिन वहां पे एक लिमिटेड डाटा आता है आपके पास, तो बेटर ये है कि आप कोरियन को ही इंग्लिश में ऑटो ट्रांसलेट करें। और उसके बाद आप अपना डिपार्टमेंट ढूंढें उस वेबसाइट पे जाके, एंड देन उसके बाद जो है आप अपनी फैकल्टी देखें, और उसके बाद फील्ड ऑफ इंटरेस्ट जिस प्रोफेसर के साथ आपका मैच हो रहा है तो आप उसको ईमेल करें। आप जब उनको ईमेल करेंगे तो आपका ईमेल फॉर्मेट जो है आप गूगल पे देखें, अपना एक स्ट्रांग ईमेल फॉर्मेट बनाएं, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ आपके ईमेल पे डिपेंड करता है। मुझे क्वेश्चन था कि आप जो है हाउ डिड यू राइट योर मोटिवेशनल लेटर एंड रिसर्च प्रपोजल। मुझे मास्टर्स के लिए यहाँ पे मोटिवेशन लेटर और रिसर्च प्रपोजल कुछ भी नहीं चाहिए था। आई थिंक PhD वालों को रिसर्च प्रपोजल चाहिए होता है, लेकिन मुझे जो है अप्लाई करने के लिए ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए था। मैंने जस्ट अपनी CV भेजी थी अपने प्रोफेसर को, बस वो मेल की थी। आप एक अच्छी सी CV बनाएं जो आप अपने या रिज्यूमे या कवर लेटर जो आप अपने उसके साथ अटैच करके ईमेल के साथ आप सेंड करें, तो उसके अलावा आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए होता। और इस वजह से भी एक रिलेटिवली इजी मेथड है टू गेट स्कॉलरशिप। लेकिन आपको ईमेल जो है कहीं से भी कॉपी पेस्ट नहीं करनी, आप अपना ईमेल फॉर्मेट आप आइडियाज लें लेकिन अपना ईमेल फॉर्मेट खुद बनाएं, ठीक है। और उसके बाद जो है जब आप ईमेल करेंगे तो ईमेल नहीं करेंगे, आप ईमेल्स करेंगे बहुत से प्रोफेसर्स को, लेकिन एक फैकल्टी से सिर्फ एक प्रोफेसर को आप मेल करें। बाकी यूनिवर्सिटीज में देखें आपको जितनी भी ईमेल्स मिल रही हैं आपने दरा दर शुरू नहीं हो जाना, और अगर आप एक ही यूनिवर्सिटी में बहुत से प्रोफेसर्स को मेल्स कर रहे हैं तो वो सारे इंटरलिंक्ड होते हैं, वो सारे डिस्कस करते हैं आपस में, तो आपका बहुत बुरा इंप्रेशन पड़ने वाला है। उसके अलावा आप देखें अगर कोई पाकिस्तानी है किसी यूनिवर्सिटी में उसके लिंक से, कि अगर उसकी लैब में कोई है वैकेंसी है कोई ओपनिंग है तो आप वहां पे देखें, आप फेसबुक पेजेस पे देखें, आप स्कॉलरशिप नेटवर्क पे देखें, वहां पे अक्सर स्टूडेंट्स पोस्ट करते हैं अगर उनके लैब में कोई ओपनिंग होती है, वहां पे आप पूरा तरीका सर्च कर सकते हैं। उसके सर्च बार में जाके प्रोफेसर स्कॉलरशिप के बारे में सब कुछ सारा डाटा वहां से ले सकते हैं, वहां पे काफी ज्यादा डाटा है। अच्छा उसके बाद जो है कि विच मंथ इज परफेक्ट फॉर ईमेल। अच्छा प्रोफेसर बेस्ड स्कॉलरशिप जो है वो आप थ्रू आउट द ईयर अप्लाई कर सकते हैं, आप प्रोफेसर को मेल कर सकते हैं अगर आपकी एक्सेप्टेंस आपको मिल जाती है, और सेमेस्टर नेक्स्ट सेमेस्टर की ओपनिंग है तो आपके प्रोफेसर आपको कहेंगे कि आप उसके लिए अप्लाई कर दें। लेकिन फिर भी अगर जो है परफेक्ट टाइम का कहा जाए तो एक जो है वो एडमिशन ओपन होते हैं मई में,
मई जून कुछ के अप्रैल में हो जाते हैं, लाइक वेरी करते हैं यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। तो आप जो हैं उससे पहले किसी भी टाइम कर सकते हैं मेल, लाइक फेब मार्च में बहुत अच्छा टाइम होता है अप्लाई करने का, क्योंकि तब नया नया सेमेस्टर स्टार्ट हो चुका होता है और नई ओपनिंग्स होने वाली होती हैं, तो इस टाइम में आप मेल करें। उसके अलावा जो है एक सेमेस्टर होता है स्टार्ट सितंबर में, तो आप एडमिशन्स ओपन होते हैं अगले सेमेस्टर के अक्टूबर नवंबर दिसंबर इन मंथ्स में, तो आप उस टाइम भी अप्लाई कर सकते हैं। आप लाइक किसी भी टाइम मेल कर सकते हैं, क्योंकि प्रोफेसर बेस्ड स्कॉलरशिप में अगर आपका मतलब सेमेस्टर स्टार्ट नहीं होने वाला और आपके प्रोफेसर चाहें तो वो आपको पहले भी एज एन इंटर्नी भी बुला सकते हैं, तो कोई परफेक्ट टाइम नहीं है मेल करने का। आप किसी भी टाइम मेल करें, और बस ये देखें कि जो मैं आपको एक टिप देना चाहूंगी जो मैंने की थी, आजमाई थी, आजमाई हुई बात ये है कि मैं कोरियन टाइम पे मेल्स करती थी, लाइक इनका ऑफिस टाइम स्टार्ट होता है 9 बजे, तो आप अपनी मेल को स्केड्यूल करके रखते हैं कि जब भी आप प्रोफेसर आपके ऑफिस जाएं और वो मेल चेक करें तो वो आपकी मेल खोलें। लाइक अगर आप सुबह के 6 बजे की मेल स्केड्यूल कर रहे हैं कि आप किसी भी टाइम वो करके रख देते हैं स्केड्यूल और वो ऑटोमेटिकली 6 बजे सेंड हो जाएगी, तो तब कोरियन टाइम जो है वो 10 बजे होगा, कोरिया में 10 बजे होंगे, 4 आवर का टाइम डिफरेंस है। तो इससे जो है काफी ज्यादा मुझे जो है रिप्लाईज आना स्टार्ट हो गए थे, बेशक वो रिजेक्शन थी बेशक वो एक्सेप्टेंस थी, लेकिन ये जो है टाइम काफी मैटर करता है। फिर जो है इजेंट पॉसिबल फॉर मास्टर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन टू अप्लाई फॉर प्रोफेसर फंडेड स्कॉलरशिप्स। अच्छा ये बात मैं भी पहले बता चुकी हूँ कि यहाँ पे प्रोफेसर फंडेड स्कॉलरशिप्स जो हैं कौन कौन सी फील्ड में ज्यादा हैं, तो बाकी सोशल साइंसेस का मुझे कोई आइडिया नहीं है। मैंने जिनसे भी पूछा है मोस्टली जो हैं वो बायो फील्ड्स, इंजीनियरिंग फील्ड्स, साइंसेस के फील्ड से आए होते हैं, और सोशल साइंसेस वाले जो हैं अगर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का आपको देखना है तो यू शुड लुक फॉर केडीआई स्कूल, और उसके अलावा सॉरी मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन आप सर्च कर सकते हैं, फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जीकेएस देखें तो वो ज़्यादा बेटर है। डू प्रोफेसर्स गेट कन्विंस्ड इजिली व्हाट आर बेसिक रिक्वायरमेंट्स? प्रोफेसर्स जो हैं अगर उनको स्टूडेंट्स चाहिए, अगर आप की प्रोफाइल ऐसी है कि उनको लग रहा है कि यू आर द परफेक्ट मैच फॉर इट, तो आपको एक दिन में एक्सेप्टेंस मिल जाएगी। ये सारा जो है वो मैं पहले जो बात कर चुकी हूँ कि ये प्रोफेसर पे डिपेंड करता है, और प्रोफेसर्स के पास जहाँ पे फंडिंग होती है, लेकिन वो देखते हैं कि कौन सा ऐसा स्टूडेंट वो लें जो उनके काम है। कुछ पीएचडी स्टूडेंट्स लेते हैं, कुछ मास्टर्स लेते हैं, कुछ इंटीग्रेटेड कोर्सेज में लेते हैं, कुछ पोस्ट डॉक लेते हैं, तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन प्रोफेसर्स। कोरिया में मैंने 3 इंटरव्यू दिए थे, और अभी मैं जिस लैब में हूँ उन प्रोफेसर को मैंने एक दिन मेल की, अगले दिन मेरा इंटरव्यू हुआ, और उसी दिन बल्कि उससे नेक्स्ट डे मुझे मेल आ गई कि यू आर एक्सेप्टेड, और उसके बाद जो है वो प्रोसीजर चलता गया। अच्छा मुझे काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि आप अपनी जो है जर्नी शेयर करें, प्लीज एक्सप्लेन हाउ यू गॉट देयर द प्रोफेसर एंड एवरीथिंग, आई वांट टू नो। एंड उसके अलावा क्या था, हाउ यू गेट प्रोफेसर स्कॉलरशिप, लाइक आप वहाँ पे कैसे पहुँची। तो उसके लिए जो है वो एक अलग वीडियो मैं ट्राई करूंगी कि बनाऊं, आई एम सो लेजी, लेकिन मैं फिर भी पूरी कोशिश करूंगी, बिकॉज इट इज अ लॉन्ग जर्नी, इट्स अ रियली लॉन्ग जर्नी, इतनी लंबी ये जर्नी है मेरी कि मुझे काफ़ी चीज़ें भूल चुकी हैं, क्योंकि मेरी जो है वो 3.5 ईयर्स लॉन्ग जर्नी है, तो वो इस एक वीडियो में जो है अगर मैं बताना शुरू हो जाऊँ तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, जो मेन पॉइंट है इस वीडियो का वो मिस हो जाएगा। प्रोफेसर बेस्ड स्कॉलरशिप के बारे में मैं अपनी जर्नी ज़रूर शेयर करूंगी, लेकिन किसी और वीडियो में। अच्छा किसी ने पूछा कि इज इट सेफ फॉर अ गर्ल एज वी हैव लैंग्वेज बैरियर एंड वी डोंट नो अबाउट द प्रोफेसर। कोरिया जो है मैंने जहाँ तक सुना था और जहाँ तक अभी तक एक्सपीरियंस किया है, कोरिया बहुत सेफ है गर्ल्स के लिए, और आप प्रोफेसर्स को नहीं जानते लेकिन प्रोफेसर जो हैं यू आर टोटली सेफ विद देम। अगर आपको
कोरियन लैंग्वेज नहीं आती, लैंग्वेज बैरियर है, या वही प्रोफेसर जहाँ पे स्टूडेंट्स देते हैं जिनका जिनकी इंग्लिश कन्वर्सेशन इतनी होती है कि वो कम्युनिकेट कर सकें, तो इट्स नॉट एन इशू. यहाँ पे अगर आपके प्रोग्राम जो हैं वो इंग्लिश में नहीं है, या आपको प्रोग्राम्स के लिए इंग्लिश आना ज़रूरी है, या कि प्रोफेसर जो है वो कम्युनिकेट नहीं कर सकते अगर इंग्लिश में, तो वो आपको लेंगे ही नहीं, क्योंकि उनको पता है कि आपको कोरियन नहीं आती. लेकिन मैं आपको ये एडवाइस करूँगी कि एटलीस्ट बिगिनर लेवल कोरियन आप सीख के आएँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि अगर मुझे बिगिनर लेवल कोरियन भी ना आती होती तो मैं यहाँ कैसे सर्वाइव करती स्टार्ट में. लाइक हर कोई सर्वाइव कर लेते हैं, मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ पे आते हैं उनको नहीं आती होती, लेकिन अगर आपको आए तो आप जो है अकेले सब कुछ कर सकते हैं, बाकी आपको किसी पे डिपेंड नहीं होना पड़ता. मैं यहाँ पे बोर्ड साइंस सब कुछ पढ़ लेती थी, और मैं अपने जो लैबमेट्स हैं उनके साथ थोड़ी बहुत कन्वर्सेशनल लेवल कोरियन भी बोल लेती हूँ, जिसकी वजह से वो भी मेरे साथ कंफर्टेबल हो गए. और उसके अलावा जो है अपने काम मैंने खुद करने, अपने जो है उसके अलावा कोरियन जो है कुछ एप्लीकेशन हैं जिनमें आपको कोई मसला नहीं होता ट्रांसलेट करने में, लेकिन अब आप हर जगह जाके वो एप्लीकेशन पहले खोलेंगे, फिर वहाँ पे ट्रांसलेट करेंगे, पिक्चर बनाएंगे, ये वो, तो उससे अच्छा है कि आप कम अज कम जो कोंग्लिश वर्ड्स हैं आपको वो पढ़ लें, क्योंकि मोस्टली चीज़ें यहाँ पे इंग्लिश में ही होती हैं. कोंग्लिश वर्ड्स होते हैं जो इंग्लिश वर्ड्स होते हैं बट कोरियन में लिखे हुए होते हैं, तो मोस्टली यहाँ पे जो टैग्स वगैरह हैं ये वो उसी में होते हैं, लेकिन आपको वो पढ़ने नहीं आ रहे होते क्योंकि वो कोरियन में लिखे होते हैं. तो अगर आपको सिर्फ वो पढ़नी आ जाएगी, आपको सिर्फ उनके लेटर्स की पहचान हो जाएगी, तो आपके लिए सिर्फ अच्छा होगा, बाकी इसमें किसी का कोई फायदा नहीं है. और हमें अगर कोरियन लैंग्वेज ना आती हो तो प्रोफेसर क्या हेल्प करते हैं मटेरियल में? नहीं, आपको सारा कुछ खुद ही करना होता है, कोई भी हेल्प नहीं करता यहाँ पे, आपने अपनी हेल्प खुद ही करनी है. अगर बहुत से अच्छे लोग भी होते हैं जो आपकी हेल्प कर देते हैं, लेकिन कोरियंस को इंग्लिश बोलने में बहुत मुश्किल होती है, उनकी कन्वर्सेशन इतनी अच्छी नहीं होती, तो आपको जो है अपना काम कम से कम ये खुद ही करना है. आप ट्रांसलेटर यूज़ करें, आप जैसे करें, आपकी जो क्लासेस हैं वो कोरियन में होती हैं. कुछ प्रोफेसर इतने अच्छे होते हैं कि अगर आपके क्लास में ज़्यादा फॉरेनर स्टूडेंट्स हैं तो वो ट्राई करते हैं कि जो बात वो कोरियन स्टूडेंट्स को कोरियन में समझा रहे हैं वो एक सेंटेंस में थोड़ी बहुत ब्रीफ कर दें इंग्लिश में भी अपने फॉरेनर स्टूडेंट्स को. लेकिन आपके जो प्रेजेंटेशन होती हैं वो आपने खुद प्रिपेयर करनी होती हैं, आपके बेशक लेक्चर जो हैं वो कोरियन में हो, आपने एग्जाम भी इंग्लिश में देना होता है, लेकिन आपके वो लेक्चर कोरियन में होते हैं, तो आपको खुद ही वो सारा पढ़ के ट्रांसलेट करके या वही सब्जेक्ट का डाटा गूगल करके नेट से उठा के, तो आपने वो सारा खुद ही पढ़ना होता है. सिस आपके यूनी में मास्टर इन एजुकेशन में प्रोफेसर स्कॉलरशिप, मास्टर इन एजुकेशन अगेन जो है वो एक अलग फील्ड आ जाती है, तो वहाँ पे उसकी स्कॉलरशिप के लिए आपको जीकेएस के थ्रू ही अप्लाई करना पड़ेगा, या आपको कोई और प्रोग्राम देखना पड़ेगा, क्योंकि फंड जो हैं प्रोफेसर्स के पास जो फंड्स होते हैं वो इंजीनियरिंग के लिए होते हैं, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए, नेचुरल साइंसेज के प्रोजेक्ट्स के लिए, साइंसेज के, मेडिकल के प्रोजेक्ट्स के लिए, लेकिन आई डोंट थिंक सो के एजुकेशन के. अगर होते हैं, अगर किसी को पता है तो वो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताए, लेकिन एज पर माई नॉलेज आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट इट. अच्छा, एक क्वेश्चन आया है कि वॉट इफ यूर कलर इज डार्क अकॉर्डिंग टू कोरियन ब्यूटी स्टैंडर्ड्स, विल यू बी बुलिट? ये मुझे प्रोफेसर पे स्कॉलरशिप से रिलेटेड जो मैंने पोस्ट किया था उसी में ये क्वेश्चन आया है. इट इज़ नॉट रिलेटेड टू इट बट आई वॉन्ट टू आंसर दिस क्वेश्चन. जहाँ पे आपको कोई दिखता भी नहीं है, जहाँ तक मैंने नोट किया है, क्योंकि मैं हिजाब करती हूँ, देखते हैं लेकिन आपको फील कभी नहीं हुआ. अगर आपको कोई देखे, कोई ऐसे होते हैं लाइक हर जगह पे मिक्स लोग होते हैं, एक जैसे नहीं होते, तो इट्स ओके, उनके लिए एक न्यू चीज है, वो जस्ट क्यूरियस होकर देखते हैं. हमारी कंट्री में भी जब किसी और कंट्री से कोई आए और वो एक डिफरेंट जो है उनका कॉस्ट्यूम हो और सब कुछ हो, तो हम लोग भी आउट ऑफ क्यूरियोसिटी हम लोग भी देखते हैं. तो अगर किसी को आप देख रहे हैं तो इट्स नॉट बुलिंग, इट्स ओके,
हर चीज को अगर आप लाइट लेंगे तो वो भी आपके लिए अच्छा है। अगर आप ये चीज बार बार सोचते रहेंगे कि वो मुझे फलां देख रहा है, फलां देख रहा है, मैंने ये कर लिया, वो कर लिया है, मुझे ऐसे गेटअप करना चाहिए एंड एवरीथिंग, तो आप खुद ही अनकंफर्टेबल होंगे। एक दफा देखते हैं, दो दफा देखते हैं, फिर वो छोड़ देते हैं। और डार्क स्किन से रिलेटेड मुझे, मैं कल ही एक फ्रेंच गर्ल से मिली हूँ एंड शी इज अ ब्लैक गर्ल एंड अकॉर्डिंग टू हर शी इज द ओनली ब्लैक गर्ल इन जोंगबुक नेशनल यूनिवर्सिटी इन दिस एरिया, क्योंकि वो कह रही है कि वो किसी भी ब्लैक गर्ल से यहाँ पे नहीं मिली और लोग उसे देखते हैं, बट वो कह रही थी कि जब मुझे लोग देखते हैं तो मैं उनको वापस देखती हूँ और चीजें जो है वो बैलेंस हो जाती हैं। तो यू कैन गेट थ्रू इट, हर तरह के लोग होते हैं, आप फॉरनर हैं, तो इट्स ओके, कोई इशू नहीं है। कोरियन ब्यूटी स्टैंडर्ड एंड स्पेशली फॉर हिजाबी, अच्छा कोरियन ब्यूटी स्टैंडर्ड जो है ना सिर्फ हिजाबीज के लिए नहीं, मतलब मैं तो चले हिजाब करती हूँ, बाकी जो है कोरियंस के लिए भी, जहाँ तक मेरी लैब में जो हैं, मेरे जो लैब मेट्स हैं जिन कोरियंस को मैं जानती हूँ, उनको भी जो है दे आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट इट, अबाउट द कोरियन ब्यूटी स्टैंडर्ड्स, दे आर नॉट परफेक्ट। उनकी स्किन शायद हम एशियन जो हैं, हम जो ब्राउन पीपल हैं, हमसे भी ज्यादा बुरी हालत में होती है उनकी जो स्किन की कंडीशन है। तो अगर आप जो है वो के आइडल्स को, के एक्टर्स को देखते हैं वाइट वॉश्ड, लेकिन कोई भी परफेक्ट नहीं है। तो कुछ लोग होते हैं, कुछ कोरियन होंगे ब्यूटी कंसर्न्ड जो उनके स्टैंडर्ड्स हैं उनसे, लेकिन दैट्स नॉट अ बिग इशू हियर। स्कॉलरशिप रिलेटेड टू फूड साइंसेज एंड हेल्थ साइंसेज रिलेटेड टू न्यूट्रिशन फील्ड, हाँ जी आपको मिल सकती हैं इन फील्ड से रिलेटेड, और काफ़ी अच्छी मिल सकती हैं। फूड टेक्नोलॉजी हो गया, हेल्थ साइंसेज जितनी भी हैं, न्यूट्रिशन ये जो है आपको इजीली मिल सकती हैं। हाउ डिड यू अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप, मैंने भी इसी मेथड से अप्लाई किया था, प्रोफेसर को मेल करके और इंटरव्यू दे के और बस एक्सेप्टेंस लेके, और फिर एक लंबी स्टोरी है मेरी और वो किसी और दिन, लेकिन मैंने भी ऐसे ही अप्लाई किया था। अच्छा अब जो लास्ट मैं पॉइंट यहाँ पे बताना चाहूँगी वो है कि इस स्कॉलरशिप में क्या क्या इंक्लूडेड होता है। तो मोस्टली जो है जहाँ तक मुझे पता है, मैं ऐसे किसी स्टूडेंट को नहीं जानती जिसका एयर फेयर भी कवर हुआ हो। आपको अपना जो है टिकट जो है वो खुद ही लेना होता है, आने का जाने का जो भी सिस्टम होता है वो खुद करना होता है। उसके अलावा जो है आपको मंथली सैलरी मिलती है, वो आपके प्रोजेक्ट पे डिपेंड करती है। वो जब आपको एक्सेप्टेंस मिलती है, आपके प्रोफेसर बता देते हैं कि मंथली आपको कितना मिलेगा, और उसमें से कुछ स्टूडेंट्स का ये होता है, मोस्टली स्टूडेंट्स का ये होता है कि उनको अपनी फी खुद पे करनी होती है उसी आपकी पे से जो मंथली आपको सैलरी आती है, और कुछ का ये होता है कि आपको जो है सैलरी मिल जाती है और आपके प्रोफेसर आपकी हर मंथ पे कर देते हैं फी जो होती है, ट्यूशन फी जो होती है। और हर किसी का अलग अलग सिस्टम होता है, और कुछ स्टूडेंट्स आने के बाद यहाँ पे डॉर्मेट्री में रहते हैं, कुछ अपने अपार्टमेंट्स लेके रहते हैं। अपार्टमेंट जो होते हैं उनका डिपॉजिट काफ़ी ज़्यादा होता है, तो ये भी आपके प्रोफेसर पे डिपेंड करता है कि वो आपको डिपॉजिट देते हैं या नहीं देते। लेकिन रेंट जो है वो आपने खुद ही देना होता है, अपनी सैलरी में से देना होता है, क्योंकि वो जो होती है ना वो आपको लिविंग एक्सपेंसेस मिलते हैं, वो जो सैलरी होती है वो वही अलाउंस होती है, तो वो तो आपको खुद ही मैनेज करना होता है। और कुछ के प्रोफेसर पहले आप पे कर चुके होते हैं, आपके आने से पहले कुछ हेल्प कर देते हैं डॉर्मेट्री की फी देने में, आपके अपार्टमेंट का रेंट देने में, और फिर आपको आने के बाद वापस प्रोफेसर को देने होते हैं या आपकी सैलरी में से वो कट हो जाते हैं। लेकिन डिपॉजिट का ये सीन होता है कि डिपॉजिट जब आप वो घर छोड़ते हैं तो वो आपको वापस मिल जाता है, तो अगर आपके प्रोफेसर ने भी पे किया हो तो आप उनको वापस कर देते हैं। और उसके अलावा सारी चीज़ें आपको अपनी सैलरी में से मैनेज करनी होती हैं, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस आपकी सैलरी में से डिडक्ट होती है, और उसके अलावा खाने पीने का होता है वो भी आपको खुद ही करना है। तो लाइक एयर फेयर के अलावा तकरीबन सब कुछ कवर होता है। अब जीकेएस का मुझे ये पता है, जीकेएस के बारे में मुझे ज़्यादा नहीं पता, जितना मुझे पता है वो ये है कि जीकेएस वालों का एयर फेयर और नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस कवर्ड होती है, और उनका 1 ईयर लैंग्वेज कोर्स होता है, हमारा लैंग्वेज कोर्स नहीं होता क्योंकि हमारे जो है
कोर्स वर्क से कोई ज्यादा लेना देना नहीं है, होता है लेना देना लेकिन ज्यादा नहीं होता, क्योंकि हम प्रोफेसर्स के लिए काम करने आते हैं। तो अगर कोई और क्वेश्चन हो, दैट्स इट फॉर टुडे। काफी लंबी हो रही है वीडियो, काफी बोरिंग होगी होगी कुछ लोगों के लिए, लेकिन ये बताना जरूरी था। लेकिन उसके अलावा अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कोई चीज मैंने मिस कर दी हो, तो प्लीज जो है कमेंट सेक्शन में बताएं आप लाजमी। आई ट्राई कि मैं उन पॉइंट्स को भी कवर करूं, और अगर वो कमेंट्स में ही मैं आपको बता सकी तो मैं आपको उधर ही रिप्लाई कर दूंगी। और इंशाल्लाह जो है अपनी जर्नी के बारे में मैं आपको लाजमी बताऊंगी, और इट वुड बी इंटरेस्टिंग आई थिंक। लेकिन अभी तक के लिए इतना ही। आई होप इट वुड बी हेल्पफुल। अगर आप जो है मेरी कोई हेल्प आप लोगों को चाहिए हो, तो डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम। मैं ट्राई करती हूँ कि मैं ज्यादा से ज्यादा आप लोगों के डीएम्स के रिप्लाई कर सकूँ। ना मुझसे हो सकता है, जो मेरे पास टाइम होता है मैं रिप्लाई कर देती हूँ। और अगर आप लोगों को मेरी कोई भी हेल्प चाहिए हो, तो आई एम ऑलवेज हेयर। अल्लाह हाफिज, बाय बाय। Thank you.